शाहरुख खान की जवान को किसी फेस्टिवल की तरह देश के कोने कोने में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस फिल्म ने बम्पर ओपनिंग के साथ ही क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस के दिलों और दिमाग पर जादू कर दिया है। अब लगता है इस फिल्म का नशा बढ़ता ही जा रहा है। जवान पहले ही हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन चुकी थी, वहीं अब इसने चौथे दिन रविवार को ऐसी जाम फाड़ कमाई की है कि आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एटली के डायरेक्शन में बनी जवान एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रविवार को इस फिल्म ने हिंदी, तमिल और तेलुगु मिलाकर 80.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म ने इसी के साथ 4 दिनों के फर्स्ट वीकेंड का सफर भी पूरा कर लिया है। ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ाने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन रविवार को सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर डाला है। रविवार को फिल्म ने हिंदी वर्जन से 71.63 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 5 करोड़ रुपए और तेलुगु वर्जन से 3.47 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। चौथे दिन इस तरह फिल्म ने देश में कुल 80.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ 4 डेज में जवान का टोटल कलेक्शन 286.16 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें से हिंदी में 252.08 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, तमिल में 19.71 करोड़ और तेलुगु में 14.37 करोड़ रुपए कमाए हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी जवान का जादू फैंस और ऑडियंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। 4 डेज में शाहरुख खान की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में भी 186.20 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जबकि इंडिया में फिल्म ने 343.80 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इस तरह 4 डेज में ही जवान ने वर्ल्ड वाइड 530 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो कि काबिले तारीफ है। संडे को थिएटर्स में जवान देखने के लिए ऑडियंस की जैसे बाढ़ आ गई हो। मॉर्निंग के शोज में जहां 53.71% सीटों पर ऑडियंस नजर आई, वहीं दोपहर के शोज में 76.54% और इवनिंग शोज में 83.06% की ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई। सबसे अधिक ऑक्यूपेंसी चेन्नई में देखी गई है, जो कि 91.33% रही, जबकि मुंबई में 77% और दिल्ली NCR में 74.33% रहा। कोलकाता में भी फिल्म का काफी क्रेज नजर आ रहा है, जहां 85% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। तो आपको बताता चलूं दोस्तों, 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने बॉलीवुड के सभी बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म अपने पहले ही 2 हफ्तों में बनती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस स्पीड से शाहरुख खान की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, उस तरीके से क्या यह बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन सकती है जो 1500 करोड़ रुपए कमाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।